हम इस समय गोरखपुर के आईटीएम गीडा में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देखा जाए तो जिस तरह से नीट पर सवाल होते हैं और नेट की परीक्षा रद्द की जाती है, तो शिक्षा व्यवस्था की ये भद्द होती है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, भारतवर्ष में आज की डेट में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाएं हो चाहे वो नौकरी के लिए सरकार जो परीक्षाएं कराती हैं, कोई परीक्षा ऐसी नहीं जिसमें कभी पेपर लीक या चूक के मामले ना आए हो। एनटीए का गठन 2017 में भारत सरकार ने किया कि हम परीक्षा को बेहतर तरीके से कराएंगे, लेकिन नीट परीक्षा के साथ साथ अभी आपने देखा होगा यूजीसी नेट की परीक्षा भी रिसेंटली हुई है, उसमें भी बहुत सारी खामियाँ हुई और परीक्षार्थियों की शिकायत के बाद सीबीआई जाँच की के आदेश दिए, सरकार ने उसको रद्द कर दिया। तो निश्चित रूप से जब किसी परीक्षा एजेंसी के साख पर सवाल उठेगा, और उसमें साख से ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि हम उन बच्चों को भविष्य जो लगातार 16 घंटा 15 घंटा 18 घंटा मेहनत करते हैं और हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद परिणाम यह मिलता है कि उनका कहीं प्रवेश होना संभव नहीं है। नीट ने इस बार जिस तरह से परिणाम दिया, नीट की परीक्षा का जो परिणाम आया, एनटीए ने परिणाम दिया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही खेदजनक है और विद्यार्थियों के जो भविष्य है, उनके कैरियर से ये निश्चित रूप से बड़ा खिलवाड़ है, खास करके उन विद्यार्थियों का जिन्होंने बहुत दिनों से बहुत मेहनत करी है। और इसका परिणाम केवल इस वर्ष नहीं दिखेगा, अगले वर्ष भी दिखेगा, जब यही बच्चे जो पिछली बार क्वालिफाई किए हैं और जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है और वो प्रवेश नहीं पाएंगे तो उनकी तैयारी बेहतर होगी, और वो जब कंपटीशन में जाएंगे तो निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए भी मुश्किल आएगी जो पहली बार परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये केवल इस वर्ष का परिणाम नहीं खराब करेगा, आने वाले समय में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सरकार को चाहिए कि एनटीए या किसी भी एजेंसी को जब वो हायर करते हैं तो इस बात को जरूर सुनिश्चित कर लें कि हम बहुत बेहतर तरीके से फुल प्रूफ तरीके से परीक्षा कराएंगे और बच्चों का हित का सर्वोपरि ध्यान रखते हुए परीक्षा कराते हुए और उनको सही न्याय और निर्णय दे सकें। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। अगर देखा जाए तो फर्जी मार्क्स, नकल और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ये इस तरह का जो हो रहा है, ईमानदार बच्चों के साथ ये छल हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? सर, ये निश्चित रूप से बहुत ख़राब बात है और सरकार को इसमें निश्चित रूप से बहुत कड़े नियम बनाने चाहिए, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहिए। हम लोग बहुत से एग्ज़ाम देखते हैं जिनकी शुचिता के ऊपर आज तक कहीं किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, खास करके गेट एग्ज़ाम की अगर बात करें, यूपीएससी एग्ज़ाम की अगर बात करें। तो जो भी ये मकड़जाल दलालों का या इस प्रकार के लोगों का है जो विभागों तक पहुंच रखते हैं या उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से उनको कहीं ना कहीं सहयोग भी मिल रहा है, तभी इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार को निश्चित रूप से पहले जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, ताकि जो भी बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, जिनका एक व्यवस्था के ऊपर विश्वास है, वो विश्वास उठना नहीं चाहिए। सर, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। हर सरकार में खेला जारी, बच्चों के भविष्य पर हो रहा है भारी, क्या कहेंगे? बच्चों के भविष्य के साथ तो सीधा सीधा खिलवाड़ हो ही रहा है। चलिए, एक बार ये कह के सरकार या फिर मीडिया या कोई भी अपने आप को पीछे कर सकता है कि ठीक है इस बार हो गया, अगली बार नहीं होगा। ठीक, जिस बच्चे का इस बार लास्ट अटेम्प्ट होगा उसका क्या करेंगे? उसको समय देंगे एक साल का? तब तो सरकार कहेगी कि हम समय क्यों दें, बाकियों के साथ फिर हम गलत कर रहे हैं। तो प्रश्न चिन्ह सरकार पे यही है कि जिसको सरकार चुन रही है, हमने सरकार चुना है वोट देके, आपने एनटीए का गठन किया, किस आधार पे किया, उस व्यक्ति की नैतिकता आपने क्यों नहीं चेक करी? जो ये छोटे बच्चे हैं जिसका लास्ट अटेम्प्ट हो रहा है, वो बच्चा कल की डेट में कोई एक पद अगर लेगा, किसी पद पे जाएगा, तो वो इन चीज़ों से क्या सीख के जाएगा कि सरकार ऐसी ही होती है, समाज ऐसे ही होता है, परीक्षाएं ऐसी ही करानी चाहिए? तो हम अपनी पूरी अगली जनरेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये सरकार के लिए सोचने का विषय है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। देखा जाए तो नीट पर सवाल उठ रहा है, नेट की परीक्षा होती है उसे रद्द कर दिया जाता है, तो शिक्षा व्यवस्था की ये एक तरह से पिट रहा है भद्द, किस तरह से देखते हैं? सर, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आज के डेट में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, और आगे ये भीड़ भी बढ़ेगी, क्योंकि आज जो बच्चे नहीं बैठ पाए हैं अगले अटेम्प्ट में बैठेंगे तो फिर ये भीड़ बढ़ेगी, और कहाँ वो लोग सेलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे? और हर परीक्षा कहीं कोई होना हुआ तो समझ में आ रहा है, लेकिन सारी परीक्षाएं ऐसे लीक हो रही हैं पेपर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो है कि मन कह सकते हैं कि अनदेखा कर रहे हैं, या फिर प्रशासन इनका व्यवस्था सही नहीं है, इसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि ये गवर्नमेंट को ये देखनी चाहिए, सरकार हमारी देखेगी और कड़ी से कड़ी सुरक्षा करेगी, आगे से ऐसा कुछ ना हो। ये कुछ और लोग हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हर सरकार में ये खेला जारी, बच्चों के भविष्य पर हो रहा है भारी, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, जिस तरह से अभी नेट पे सवाल उठ रहा है और नेट की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, किस तरह से देखते हैं?
सर निश्चित रूप से ये बहुत ही भारी पड़ रहा है बच्चों के भविष्य पर, क्योंकि आए दिन कोई भी पेपर जो है गवर्नमेंट के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि वो सही तरीके से हो पाए। और स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र गवर्नमेंट दोनों में ही आप देखेंगे तो पेपर लीक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसका असर भी पड़ा है चुनावों पर, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, जो कि निश्चित रूप से इसको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि परीक्षाओं में ऐसी गड़बड़ी आगे ना हो पाए भविष्य में। तो इसके लिए अफसरशाही का जो ये मकड़ जाल है जो परीक्षाओं में व्यापक रूप से गड़बड़ी करने के लिए शामिल है, उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये पेपर लीक बार बार कैसे हो रहा है। सर यूपी का ही देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा हो या आर ओ की परीक्षा हो, जो कि इन गड़बड़ियों की वजह से बच्चों का भविष्य आज अंधकार में हो गया है। और फिर यूजीसी नेट का हो या नीट की परीक्षा हो, जिसमें लाखों बच्चों का जो है भविष्य फिर से अंधकार में ही है। तो सुनिश्चित करने की जो ज़रूरत है और जिम्मेदारी भी तय करने की ज़रूरत है आगे, जिससे ये गड़बड़ी ना हो पाए। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। देखा जाए तो फर्जी मार्क्स, पेपर लीक और नकल कहीं ना कहीं एक ईमानदार बच्चों के भविष्य के साथ ये खेल हो रहा है, क्या कहेंगे जी? ये तो हो ही रहा है कि जो भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका मनोबल निश्चित रूप से डाउन हो रहा है, और जो एक बच्चा कम पढ़ाई करने वाला है उसको गलत तरीके से अगर फ़ायदा मिल रहा है इस पेपर आउट होने से, तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम करवाने वाली जो एजेंसी है NTA, मुझे तो लग रहा है ये जैसे ठेके पे कोई काम दे दिया जाता है उस तरीके से ये काम चल रहा है। इसको एक मतलब जिम्मेदारी से करवाने वाला कोई एक एजेंसी होनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी पहले करवाई करती थी एग्ज़ाम, उस तरीके से होना चाहिए। और जो भी इस मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं पेपर आउट करवाने में, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना हो पाए, जो मेहनती बच्चे उनका मनोबल ना टूटने पाए। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। हर छात्र पूछे एक सवाल, उनके भविष्य के साथ हो रहा है क्यों खिलवाड़? सर ये मैंने पूर्व में भी जो गवर्नमेंट रही है उसमें भी बहुत सारे कमियाँ रही हैं और वर्तमान समय भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं होनी चाहिए और एक ऐसी एजेंसी जो इस तरीके की है उसको ब्लैकलिस्ट करके इस पर CBI जाँच वगैरह और तमाम, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये चीज़ें। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। देखा जाए तो जिस तरह से नीट पर सवाल उठ रहा है, लगातार सवाल उठ रहे हैं लगातार, और मामला कोर्ट में चल रहा है और नीट की परीक्षा होती है और रद्द हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पिटराई भद्द है। सर इससे होता क्या है, बच्चों का जो मनोबल है वो गिर जाता है। कभी कभी हम जो देखा था जो नीट का रिजल्ट आया था कि एक ही नंबर पे 60 लोग 70 लोग निकल जा रहे हैं, तो जो गरीब तबके बच्चे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है सबके लिए है, इसमें जो योग्य होगा उसको आगे जाएगा। तो मेरा हिसाब ये है कि जो भी इस परीक्षा के पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी एजेंसी कहा जाए या जो भी विभाग इसके आगे है कि उसको आगे आके बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो इसको हम फ्यूचर में रिपीट ना करें, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय ना हो, और उनको सुनिश्चित किया जाए कि आगे से जो भी परीक्षाएं वो देंगे उसका वो जो भी नियम रहेगा वो नियमतः उसका पालन किया जाए। सर चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं। हर सरकार में खेला जारी, छात्रों के भविष्य पर हो रहा है भारी, क्या किस तरह से देखते हैं ये पेपर लीक के मामलों? एक्चुअली है क्या कि जो पेपर लीक का मामला है काफ़ी दिनों से चल रहा है, पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है प्रशासन की और सरकार की, क्यों इस पर सफलता नहीं पा रही है। अभी तो पता चला कुछ देर पहले कि UGC नेट की परीक्षा स्थगित हो गई, उसके पीछे लगता है कहीं से संभावना ऐसी हो कि इसका भी पेपर कहीं से लीक हो गया होगा। लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही जो है गवर्नमेंट को या जो एजेंसीज हैं जो काम करा रही हैं कि इसका समाधान क्या, समाधान क्यों नहीं खोज पा रहे हैं लोग? ये काफ़ी दिन से लीक के चर्चे हो रहे हैं, अब तक इसका समाधान कई सालों से नहीं हो पाया है। इस पर गंभीरता का विषय है कि प्रशासन को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पर कैसे सफलता पाया जाए, और वह ही आवश्यक है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है अगर ऐसा होता आ रहा है, और हमको लग रहा है इस पर रुकने वाला भी नहीं है, कोई इस पर सही रूप से कोई इस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है कि इसको रोका जाए, कैसे रोका जाए। समस्या यही बच्चों के साथ है, जो परिश्रमी बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है, और जो ऐसे इधर उधर वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा पता नहीं कहाँ से मिल जा रहा है। कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें अच्छा रैंक पाने वाले का ज़्यादा नंबर है, कम पाने वाले का ऐसा उल्टा पुल्टा करके आ गया, इसमें ग्रेस मार्क का क्या फार्मूला है, यही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का छात्र जो है, हर छात्र यही एक सवाल कर रहा है कि उनके भविष्य का ख्याल कौन रखेगा जिस तरह से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, क्या कहें?
देखिए, भविष्य का ख्याल तो नीति नियंता हैं जो निर्धारण करते हैं, नीति का नीतियाँ बनाते हैं वही करेंगे। लेकिन यदि कहीं कोई सवाल उठ रहा है तो सरकार को अपनी मंशा को बेहतर साबित करने के लिए और अपने आप को ये बताने के लिए कि भाई हम इस मामले में पूरी तरह तटस्थ हैं, कहीं ना कहीं जो नाकामी छुपाने से के बजाय कहीं ना कहीं सरकार को आदेश में जाँच का देते हुए मेरे ख्याल से पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए पुनः इस परीक्षा को कराना करके भविष्य छात्रों को सही न्याय निर्णय दिया सकता है। क्योंकि सरकार ये बार बार प्रयास करेगी कि नहीं हमसे कोई खामी नहीं, क्योंकि दिख रहा साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला 0.001% की कोई खामी है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी और सरकार को बड़ी शालीनता से जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस बात को मानना पड़ेगा कि NTA से कोई बड़ी चूक हुई। जैसे आप देखिए ग्रेस मार्क को अवॉइड करने में जो पैरामीटर चूज किया गया वो क्लैट का लिया गया। NTA और क्लैट दोनों अलग अलग परीक्षाएं, दोनों अलग चीज़ों के लिए निर्धारण के लिए की जाती हैं। क्लैट की परीक्षा का जो मानक है वो नीट के लिए कभी सही नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के पाठ्यक्रम अलग हैं, दोनों के परीक्षार्थी अलग हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने जब कोई NTA ने कोई तय किया कि हमें ग्रेस मार्क ही देना है तो बल्कि बहुत जल्दी में सोचा, कभी बिना सोचा समझा निर्णय था जिसने पूरी परीक्षा की व्यवस्था को खराब करके रख दिया। उसके बाद भी एक एक परीक्षा केंद्र से 67 बच्चों का टॉप कर जाना, मैं नहीं मानता हूँ कि बच्चे मूर्ख होंगे, हो सकता है बच्चे बहुत ही ज्ञानवान हो लेकिन कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करता ही है। और अभी पटना में जिस तरह से चीज़ें छुपाई गई, NTA से बार बार पेपर मांगने के बाद भी पेपर न उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं जो मंशा है NTA की वो सही नहीं दिखती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को आप कोई न्याय देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा दोबारा कराएं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, दृढ़ तरीके से कराएं जिसमें किसी भी को कहीं से कोई आशंका ना रह जाए मन में। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से फर्जी मार्क्स, पेपर लीक और नकल हो रहे हैं तो ईमानदारी वाले जो बच्चे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ये छल हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? समाज के जो जिनको समाज चलाने के लिए दायित्व तो दिया गया है, देश चलाने के लिए दायित्व तो दिया गया है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे हमारे देश के नेता हो, चाहे देश को चलाने वाले लोग हो, उनमें ही अगर वो नैतिकता का भाव है तब तो चीज़ें ठीक चलेंगी। उनमें अगर नैतिकता का अभाव है तो चीज़ें कभी ठीक होंगी नहीं। तो जब नैतिकता का अभाव है तभी तो उनको वो बच्चा, वो बच्चे का जीवन, उसका भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, फिर तो वो कुछ भी करने को तैयार है, वो कर ही रहे हैं। तो वो यहाँ से पहले सोचना स्टार्ट करें ना कि हम जिस भी बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उस बच्चे का पहला साल भी हो सकता है और आखिरी साल भी हो सकता है। तो अगर पहला साल है बच्चा यही देखेगा तो क्या पता अगले साल से वो इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए वो अपने आप को तैयार ना करे कि जब होना यही है साल भर बाद तो हम उस भी चीज़ के लिए क्यों जाएं। बेहतर है कि हम अपना कोई बिजनेस करें, बेहतर है कि हम कुछ और करें। तो बच्चा जो आज के 10 साल बाद, 12 साल बाद हमको एक अच्छी जनरेशन मिल सकती थी, एक अच्छा हमको ब्रीड मिल सकती थी जो देश को एक अच्छी दिशा में लेके जा सकता है, अपने परिवार को अच्छी दिशा में लेके जा सकता है, तो हम उन चीज़ों से उस बच्चे के ब्रेन सेट के साथ खेल रहे हैं कि बच्चा को वो सेट, फिर अगर दिमाग जिस दिन उसका गड़बड़ हुआ किसी भी चीज़ को लेकर, अगर उसके दिमाग में वो फिट हो गया कि सरकार ऐसी है, नीतियाँ ऐसी ही बनती, पेपर ऐसे ही होते हैं चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे, तो फिर हम पूरी चीज़ों को आगे चल के जीवन में कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए किस तरह से लोगों के बीच जो पेपर लीक के मामले हैं, किस तरह से लोगों के बीच जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल हैं, हमने गीडा क्षेत्र में जो शिक्षा विभाग से जो लोग जुड़े हैं उनसे हमने जाना और बातचीत की। नीट परीक्षा का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सरकार को UGC नेट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। दरअसल शिक्षा मंत्रालय को गृह मंत्रालय से ये इनपुट मिला था कि नेट की परीक्षा में भी धांधली हुई है, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और सरकार ने CBI जांच का आदेश जारी कर दिया। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम परीक्षाओं को लेकर धांधली की बात सामने आ रही है और आ चुकी, जैसे ही UGC नेट की परीक्षा रद्द हुई उसके बाद राहुल गांधी ने यह कहा है कि इस पूरे मुद्दे को वे पार्लियामेंट में उठाएंगे, और देखा जाए तो विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, बहुखंडी आवास के पास हूँ और तमाम जो युवा हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें जो तमाम नीट की परीक्षाएं हो रही हैं उस पर भी सवाल खड़ा हुआ और UGC की जो परीक्षा उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार कटघरे में है? देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे सरकार जो भी कदम उठाती है वो बहुत सोच समझ के उठाती है और जो नीट परीक्षा रद्द किया गया उसके पीछे बराबर CBI जांच कर रही है और पुलिस विभाग बराबर उस पर जांच पड़ताल कर रही है कि कोई धांधली जहां हुआ है जो भी विभाग में उसको एक उचित रूप से कार्रवाई किया जाए और जो भी युवाओं के पक्ष में फैसला है उसको दिया जाए कि आगे विकास बहुत अच्छे तरह हो चुके, उसके लिए हमारी सरकार बराबर काम कर रही है।
और लगातार सोचा जा रहा है, मीटिंग हुआ है कि भाई कैसे इस प्रयोजन को एक सफल प्रयोजन बना के एक पुलिस विभाग और सीबीआई के माध्यम से लगातार इसको अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नए रूप में इसको प्रारूप में इसको जल्द से जल्द कराया जाए। अगर हम पिछले 7-8 सालों की बात करें तो यूपी में कई परीक्षाएं थीं वो रद्द हो गई, चाहे आरओ की परीक्षा हो, पुलिस भर्ती हो। आपको लगता है कि इन परीक्षाओं को लेकर जो भी कमियां सामने आई सरकार ने उस पर ठीक तरीके से एक्शन लिया? देखिए, पहले से और अब में बहुत ज़्यादा सरकार ने जो भी चीज़ें आई हैं कमियां उसको बराबर लगातार सोच रही है। शिक्षा विभाग को बहुत पहले से नए रूप में प्रारूप किया गया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा शिक्षा को इतना अच्छा कर दिया जाए कि हमारे युवाओं को कोई दिक्कत ना हो। और जो भी ये शिक्षा का ये है कि भाई आस्था है हमारे युवाओं में, ये है कि शिक्षा को बराबर लगातार एक नई प्रारूप दिया जाए कि सरकार भी उसमें सक्षम रहे और आगे भी बढ़िया रूप से शिक्षा विभाग को चलाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। कुछ और भी युवा हैं मेरे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आज UGC नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई पर्याप्त है? वो कार्रवाई तो भैया पर्याप्त है क्योंकि सही किया जा रहा है, जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ़ जांचें की जा रही हैं और उनको सज़ा होगी, ये तो पक्का है। योगी बाबा हैं, उनसे बड़ी आशाएँ हैं युवाओं को, तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं भैया। लेकिन विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा भी बना रहा है। बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ये उनकी गलतफहमियाँ कह सकते हैं या फिर आप ये उन्हें अब क्या बोला जाए इनके लिए, लेकिन ये है कि बाबा से बड़े हम लोग की आशाएँ हैं, वो जो करेंगे सही करेंगे, युवाओं के बारे में सोच के, उनकी शुभकामनाओं के बारे में ही सोच के ही कर रहे हैं जी। इस बार यूपी में चुनाव को लेकर कहा गया कि बीजेपी की हार के पीछे कहीं ना कहीं इस बार युवा भी है, तमाम युवाओं ने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि परीक्षाएं यहां पर जो थी वो कैंसिल हुई, पेपर लीक हुआ। या देखिए, गलतियां करते हैं तभी इंसान सीखता है, तो उन लोगों ने गलतियां की है जिससे उन्हें बहुत बड़ी सीख मिली है उनके सुधार के लिए। अब ये बाबा का पहला एक्शन है, अभी आप आगे और देखेंगे भाई और वो इससे अच्छे कार्य करेंगे भाई, जितनी भी गलतियाँ हुई हैं भाई। देखिए, कोई भी सरकार हो तो उसमें सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, कुछ गलतियाँ गलत लोग होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है भैया, वो आपके सामने रिजल्ट है। CBI जो है उनकी पूरी जाँच कर रही है, जो पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दाहिर होगा। ये बहुत अच्छा कदम है बाबा का, अब भाई अब इसके लिए अब क्या किया जाए भैया। विपक्ष ने बीते चुनाव में ये एक बड़ा नैरेटिव चलाया कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऊपर से परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, परीक्षाओं में धांधली हो रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप एक युवा होने के नाते? भैया देखिए, ये तो गलत बात है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, अभी तो कहने के लिए रोना ये दुनिया गाती है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते तो बेरोजगारी कहीं नहीं है। कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं, प्रधानमंत्री जी के ही निर्देश पे कई ऐसे मुद्रा लोन हैं, कई लोन हैं ऐसे, जो आप अगर इच्छुक हैं, थोड़े जागरूक हैं तो आपके लिए वो एक खुद का मालिक बनने का अवसर है, प्रदान करते हैं सामने से। तो ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि ये बेरोज़गारी बढ़ी है, क्या सभी लोग सरकारी ही होंगे? अरे हमारे यहाँ की जनसंख्या कितनी है, अब उसमें पूरे सरकारी लोग तो नहीं हो पाएंगे ना भाई, प्राइवेट सेक्टर भी है, खुद का बिजनेस भी है, आप अगर जागरूक हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए जी। देखिए, दरअसल सियासी चौक में आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षाओं को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, इसीलिए आज मैंने, चूंकि युवाओं की एक पूरी टीम है, इस टीम को चुना है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीष सिंह है। मनीष, ये बताइए, जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आई, अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर लीक, चूँकि उसमें पूछताछ चल भी रही है तमाम लोगों से, लेकिन आज की बात करें UGC नेट का एग्ज़ाम सरकार ने कैंसिल कर दिया, जिस तरीके से विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था बीते इलेक्शन में कि बेरोजगारी बढ़ गई है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ऊपर से अब चूंकि एक प्रेशर कहीं ना कहीं सरकार पर क्रिएट होता दिख रहा है, इसको लेकर क्या सोचना है आप? ये पहले सरकार को तो ये चाहिए कि जैसे वैकेंसी कोई कैंसिल होती है तो उसको सही समय पर जो है कम समय रहते फिर से दोबारा वैकेंसी निकाली जाए और जो पारदर्शी अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे कि युवाओं में आक्रोश ना हो, युवाओं का आक्रोश बढ़ने से पहले ही जो है वैकेंसी आ जाए तो ये सही रहेगा। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश? हाँ, आक्रोश बिल्कुल है। पिछले 4-5 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, उसका नतीजा इन लोगों ने चुनाव में देख लिया, यही सब फैक्टर है। आपको लगता है कि इस इलेक्शन में युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई? बिल्कुल दिखाई है, हर वर्ग के लोगों ने वोट किया BJP के खिलाफ, उसका इन्होंने जो है भुगता,
आगे भी अगर नहीं आएगा तो और बुरा स्थिति हो सकती है। अगर इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली जो है, वैकेंसी निकालना भी होगा तो अच्छे अमाउंट में निकालना होगा, अच्छी संख्या में निकालना होगा। वैकेंसी निकली थी पुलिस की, लेकिन उसका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। वही ना, वो भी लीक हो गया, तो इस वजह से जो है कि उचित कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे काफ़ी समय साल हो गया तो उसको 6 महीने साल भर उसको फिर से निकालना चाहिए जल्दी करके निष्पक्ष अधिकारियों के द्वारा। तो ये सब सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि मतलब पहले के मुकाबले थोड़ी वैकेंसी कम आई है सरकारी? कम आई है। 2018-19 के बाद यूपी पुलिस की भर्ती नहीं आई, टीचरों की भर्ती नहीं आई, प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं आई, तो ये सब दिक्कतें हैं। इस वजह से युवाओं में आक्रोश भड़का है, जिसका चुनाव में परिणाम देखने को सबको मिला है।